ठीक है, येलो कलर हमने लिया यहाँ पे, देन और इस बैकग्राउंड, ठीक है तो इसको चेक कर लेते हैं कि बैकग्राउंड में हमारा ये जो बॉक्स है ये कैसे दिख रहा है। तो देखो आपको यहाँ पे बॉक्स आपका दिख रहा है, ठीक है। तो वैसा ही मैं बॉक्स टू के लिए भी कुछ ऐसा ही दे देता हूँ, तो इसको कॉपी करता हूँ मैं और बॉक्स टू को भी क्या कर देता हूँ, यही स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉक्स टू को भी मुझे अप्लाई करना है, तो मुझे ये फिर से लिखना पड़ा है क्या? सब कुछ तीनों चीज़ें फिर से लिखे हैं मैंने, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे CSS वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल आप यहाँ पे कैसे बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप इसका जो सिंटैक्स है वो कैसा है, एक आपका यार नाम का फंक्शन रहेगा यार। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल को पास करेंगे, यहाँ पे वेर का नाम जो भी आपका वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे रहेगा। ओके, और यहाँ पे भी ये तो हो गया उसको यूज करने का तरीका, और डिक्लेयर हम कैसे करेंगे उसको, हाइफन हाइफन वेर नेम। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा वैल्यू, मीन्स आप क्या वैल्यू उसको प्रोवाइड करना चाहते हो वो वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेर, कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको किसी प्रॉपर्टी के सामने देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो वैसे ही मैं, जैसे हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेर क्रिएट करेंगे कलर के लिए। ओके, ये जो डार्क कलर है, डार्क रंग, तो इसी को मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में दे दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया हाइफन हाइफन सपोज फॉन्ट। ओके, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो फॉन्ट कलर। ओके, ऐसा भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट CSS के स्टैंडर्ड वाइज अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे हाइफन लगा दो कलर, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लिखते हैं दो वर्ड्स के बीच में हाइफन लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने हाइफन लगा दिया कि फॉन्ट कलर जो है कलर। ओके, और उसके बाद में इसको वैल्यू दे देता हूँ ये, ओके ओके, तो ये वैल्यू मैंने इसको दे दी। तो देखो ऊपर जैसे हमने सिंटैक्स लिखा है वेरिएबल का नाम, ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, ओके वैल्यू, तो ये जो कलर है ये मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसी वेरिएबल को अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से वह नाम के फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूंगा और उसके अंदर वो वेरिएबल दूंगा। तो यहाँ पे मैं वह लिखता हूँ फैर, देन यहाँ पे हाइफन हाइफन और लिखूंगा फॉन्ट हाइफन कलर। ठीक है, कलर हमने यहाँ पे लिखा है, सेव किया हमने इसको। अभी देखो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है क्या, या सेम वर्किंग, सेम हमें स्टाइल दिखा रहा है जैसे हमने ट्रेडिशनल वे से दिखे थे पहले, वैसे ही दिखा रहा है क्या, कुछ चेंज हुआ क्या? ओके, तो यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे फिर से कलर का नाम रखा है। अगर ऐसे मेरे पास एन नंबर ऑफ है तो उसको याद करता रहूंगा कि मैं कि मैंने कौन सा कलर दिया, या फिर अगर मेरा यहाँ पे हेक्सा नंबर है तो दिक्कत हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगेगा ये, हाँ या ना, अच्छा याद रखना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो यहाँ पे पहला तो बेसिक वे ये है कि हम किसी क्लास के अंदर, किसी आईडी के अंदर हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं, किसी कोई भी सिलेक्टर हो उसके अंदर आप वेरिएबल बना सकते हो, बट वो कैसा रहता है आपका, लोकल कहा जाता है उसको, ये आपका कैसा रहेगा, लोकल वेरिएबल रहेगा, लोकल स्कोप होगा उसका, यानी इस पैरेंथेसिस के बाहर मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं उसको नहीं दे सकता, ठीक है। ये होगा लोकल। तो मुझे करना है कि मेरे अगर बॉक्स ऐसे 10 बॉक्स भी है और सेम मुझे लिखना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये वेरिएबल सब जगह दे सकूँ ऐसा, तो उसके लिए हमें इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओके। तो ग्लोबली डिक्लेयर करने के लिए हमें रूट नाम का जो सिलेक्टर है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया सर। लिया, ठीक है ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कलर दिया है तो वैसे मुझे जो फॉन्ट साइज है, सपोज ये मेरा ग्लोबली मुझे इसको डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे सेकंड यहाँ पे मैं करूँगा रूट सिलेक्टर का इस्तेमाल, यहाँ पे मैं लिखूँगा रूट। ओके,
प्री डिफाइन है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आप सेसेस डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, ओके। यानी यहाँ पे आप आपके वेरिएबल्स जो है यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज फॉन्ट फॉन्ट इतना बड़ा लिखने की जगह मैं फॉन्ट एफ साइज लिख देता हूँ, ओके, फॉन्ट साइज, देन कोलन, और उसको दे देता हूँ सपोज 36 पिक्सल, ओके। तो ये पिक्सल मैंने यहाँ पे दे दिया, और वैसे ही मैं बैकग्राउंड जो कलर है उसके लिए भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी कलर, बीजी हाइफन कलर में लिखता हूँ, ओके, बीजी हाइफन कलर मैंने यहाँ पे बनाया, और इसको मैं दे देता हूँ सपोज येलो, है ना, वाइट येलो, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन है तो वो कॉम्बिनेशन यूज करो यहाँ पे हेक्सा का। तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने बनाया ये मेरे हैं ग्लोबल, ओके, कौन से हैं ग्लोबल वेरिएबल, स्कोप है इनका, इन वेरिएबल का कैसा स्कोप है, ग्लोबल है। यानी मैं इसको सीएसएस के अंदर कहीं पे भी इसका का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि ये लोकल है, मैं इसके बाहर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, ओके। बट इस इन दोनों का अभी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको कमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा var, ओके, var फंक्शन, और इसमें लिखूंगा मैं हाइफन हाइफन क्या है, एप साइज, फॉन्ट साइज, ओके, वो वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। इसके आगे भी मैं सेम यहाँ पे भी मैं लिखूंगा सपोज var, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज bg हाइफन 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 बी जी हाइफन कलर, ओके। दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। सेम मैं इन दोनों का इस्तेमाल अभी नीचे के लाइन पे भी करता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसको कमेंट कर दूंगा मैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो स्टाइल हमने जो लिखा है या अप्लाई हो रहा है कि दोनों के लिए या नहीं। देखो एक काम करते हैं, येलो की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ, कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज एग्जा वैल्यू हम दे देते हैं इसको, ठीक है। से इसको साइज यहाँ पे लिखा तो हमारा अनकमेंट है, ओके, ग्लोबल लोकल इसको ध्यान दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो स्टाइल जो है हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके, जो मैंने यहाँ पे कमेंट्स आपको समझाने के लिए लिखे थे उस वजह से डिफ्रेश देखो हुआ क्या। यहाँ पे बॉक्स बॉक्स पे तो हो चुका है, और बॉक्स टू को क्यों नहीं अप्लाई हुआ ये, और कुछ छोटा है कैमरा सर हाइफन कहाँ पे, बॉक्स टू में सर हाँ वो मैंने निकाल दिया था ना, मुझे लगा कि इशू आएगा, तो सेव किया मैं इसको, रिफ्रेश करते हैं। देखो दोनों को अप्लाई हो गया, और जो कलर है अभी ये कलर तो अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी अच्छा थोड़ा दिख, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ग्लोबल आप वेरिएबल्स बना सकते हो। अगर आपको पता है कि आपने हेडलाइन एक नाम का वेरिएबल बनाया है कि मुझे अगर हेडलाइन इस्तेमाल करनी है, मेरे पेज पे हेडलाइन सेक्शन है, मल्टीपल सेक्शन है, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, प्रोडक्ट है, डाउनलोड है, तो इन सब का हेडलाइन का कलर, उनका साइज सेम होना चाहिए।
ओके, और मैंने एक जगह के बना के रखा, एक वेरिएबल में, यहाँ पे मैं बना के रखूंगा वेरिएबल्स और उनका ही इस्तेमाल मैं करूंगा वहां पे, उनका डायरेक्टली नाम इस्तेमाल करूंगा मैं वहां पे, ना कि मैं इतना याद रखूंगा कि मैंने उसको साइज क्या दिया था, कौन सा मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाया था कलर के लिए, इतने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मैंने बीजी कलर नाम का वेरिएबल बनाया, उसका इस्तेमाल मैं करूंगा डायरेक्टली, जैसे हमने यहाँ पे किया है दोनों बॉक्सेस में। क्लियर है क्या? हेलो जी। तो ये हो गया आपका वेरिएबल्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोकल मीन्स क्या, जब आप इसके बाहर आउटसाइड, इसका स्कोप नहीं है, हम इसको आउटसाइड यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर मुझे इसको भी यूज इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो इस रूट एलिमेंट में, रूट सिलेक्टर के अंदर में इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। हुआ क्या? वो सामने था, केपी में आया होगा सर, केपी केपी। हुआ क्या? सर ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कलर्स, हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ग्रेडियंट हम देखेंगे यहाँ पे, ग्रेडियंट हम कैसे लगाए। ठीक है, तो ग्रेडियंट हम देखेंगे, तो इसमें दो टाइप के हैं, एक है आपका लीनियर, दूसरा है आपका रेडियल। ओके, दो तरीके के हैं। ओके, तो हम इसको लिनियर को अभी देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक, ये जो बॉक्स वन है इसको ही मैं देना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले को मुझे कमेंट करना पड़ सकता है। फिलहाल स्टाइल टाइप के बाहर लिख देता हूँ उसको। ठीक है, तो स्टाइल टैब में अभी हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स वन है इसको हम स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसके भी हमें कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। इससे तो यहाँ पे लिखता हूँ फिर से बॉक्स वन। ठीक है, ओपनिंग कोई नहीं। ठीक है, तो इसको मैं पहले कुछ विड्थ और हाइट दे देता हूँ, दे देता हूँ सपोज 200 पिक्सल। ठीक है, और जो हाइट है वो भी मैं दे देता हूँ उसको 200 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, सेव। देन अभी यहाँ पे हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे मैं हम देने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट। ओके, तो इसका पहले सिंटैक्स कैसा है वो हम देखते हैं। तो जो आपका लीनियर ग्रेडियंट है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको वैल्यू बैकग्राउंड को ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइफ़न ग्रेडियंट, ग्रेडियंट देन यहाँ पे। ओके, पहला तो है आपका डायरेक्शन, आप यहाँ पे दे सकते हो जो ऑप्शनल है। ओके, डायरेक्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं जो कैसा है, ऑप्शनल
यानी आपने इसको नहीं भी दिया तो भी चलता है, दिया तो भी चलता है। उसके बाद आप यहाँ पे कलर्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, जैसे कि कलर वन, कलर कलर टू, ओके, ऐसे एन नंबर ऑफ आप दे सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? हेलो, यस सर, यस। ओके। तो ये जो डायरेक्शन है इसको भी हम देखेंगे, ओके। पहले हम सिंपल एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ, बैकग्राउंड, ओके, हाइफन, और यहाँ पे लिखता हूँ हाइफन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ओके। और यहाँ पे मैं कलर देता हूँ रेड। ऑप्शनल जो वैल्यू है डायरेक्शन वो मैंने नहीं दिया है, रेड और कॉमा येलो, ओके। देखते हैं कैसे दिख रहा है हमारा बॉक्स, कैसे दिख रहा है, सेव किया। देखो दिख रहा है क्या दोनों का कॉम्बिनेशन, ओके। यस सर, तो ये आपका ग्रेडिएंट है, ओके। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन से, किसी डायरेक्शन से आपको दिखाना है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे ये चाहिए फ्रॉम टू राइट, ओके। यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, टू राइट कॉमा, ओके। जो ऑप्शनल था वो भी मैंने दे दिया। देखो अभी क्या चेंजेस होता है, यहाँ पे राइट साइड में मूव हो गया क्या, यस ओके। अगर आपको किसी कॉर्नर से भी देना है तो भी आप दे सकते हो। कट किया मैं इसको, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे हम किसी कॉर्नर से इसको देते हैं, अभी ट्राई करते हैं किसी कॉर्नर से। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टू, सपोज टॉप राइट, ओके, टॉप स्पेस राइट, ओके। देन सेव किया मैं इसको, रिफ्रेश। देखो इस जो है कॉर्नर, टॉप राइट के कॉर्नर से अभी आपको दिख रहा है क्या ग्रेडियंट आपका, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे अभी हमने हार्ड कोडेड वैल्यू मीन्स हमने डायरेक्शंस की वैल्यू यूज की, यहाँ पे टू, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये चारों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राइट भी यूज की है और दोनों का साथ में इस्तेमाल भी किया है, टॉप और राइट, ऐसे मैंने दोनों का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया है। बट यहाँ पे अगर आप उसी एंगल से, यानी डिग्री का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। आप किसी एंगल से भी अगर आप देना चाहते हो तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसको हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं भी लगाऊंगा एंगल। तो एंगल मुझे कौन सा चाहिए, मुझे एंगल चाहिए सपोज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो 90 डिग्री, ओके। अगर आपको किसी कॉर्नर से भी देना है तो आप यहाँ पे दूसरा एंगल दे दीजिए, मैं दे देता हूँ 45 डिग्री, ठीक है। सेव, देखो आ रहा है क्या 45। अच्छा रहा है, ठीक है। किसी भी एंगल से आपको देना है तो दे सकते हो, डिग्री आपका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया इसका। देन हम यहाँ पे मल्टी कलर का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके। तो इसको कमेंट करता हूँ मैं, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मल्टी कलर, ओके। जैसे हमने एंगल को भी यहाँ पे देख लिया तो वैसे ही हम यहाँ पे मल्टी कलर के लिए देखते हैं। तो रेड मैंने ऑलरेडी लिया है यहाँ पे, ठीक है। रेड सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑरेंज, हेलो, देन मैंने यहाँ पे लिखा सपोज स्क्रीन, सपोज स्क्रीन, लीन पहले चलेगा, पहले ग्रीन, देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज इंडिगो,
और उसके बाद में ले लेता सपोज यहाँ पे वॉलेट, ओके कुछ कलर्स मैंने यहाँ पे ले लिया। तो देखो मल्टी मल्टी कलर्स, मैंने मल्टीपल कलर्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बोला था कि आप यहाँ पे एन नंबर ऑफ कलर दे सकते हो, इसके आगे भी आप दे सकते हो अगर आपको देना चाहते हो। सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो मल्टी कलर दिख रही है क्या आपको? यस सर। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टी कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे कलर को भी परसेंटेज में भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और हम परसेंटेज भी देंगे यहाँ पे कि कौन सा कितना परसेंटेज पे दिखे, ओके कितने परसेंटेज पे वो दिखे। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, रेड येलो एक देता हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, पहले हम देखते हैं कैसे दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अभी यहाँ पे इसके आगे में दूंगा सपोज 30%। सेव किया मैंने इसको, अभी देखते हैं क्या चेंजेस हो रहा है। देखो 30% पे वो दिखा रहा है क्या येलो कलर को, जैसे मैंने आपको बोला कि किस परसेंटेज पे आपको कलर को दिखाना है वहां पे भी आप दिखा सकते हो। एक मिनट, हेलो ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने परसेंटेज दिया है इतने उस पोजीशंस पे, उतने परसेंटेज के पोजीशंस पे आप उसको दिखा सकते हो। ओके सपोज मैं इसको दे देता हूँ 60%, तो देखो क्या होगा, ग्रीन को भी मैंने 60 कर दिया है। तो देखो यहाँ तक यानी 60% तक उसका डार्क कलर आपको दिख रहा है क्या, जो प्रॉपर कलर है उसका? ओके ये देखो, ये जो है, ये जो पोर्शन है उसका, ये इतना, इसके अंदर आपको खाली ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ तक। ओके उसके बाद यहाँ से वो येलो भी मिक्स हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे इसी परसेंटेज में भी इसको दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद और एक है इसमें जो आप दे सकते हो इसमें कि एक काम करता हूँ, इसको इसको कमेंट करता हूँ, इसको हम कमेंट करते हैं, कॉपी पेस्ट, ओके और इस बॉक्स को मैं रेडियस, उसको एक रेडियस दे देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर, ठीक है रेडियस, कोलन,
कितना, तो 50% मुझे चाहिए, यानी पूरा एक सर्कल दिखे ये। ओके, तो कोई कलर तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको सर्कल नहीं दिखेगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ग्रेडियंट का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे हम देंगे इसको कुटले जावा। 5 मिनट, 5 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली कलर इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप यहाँ पे आरजीबी का जो फंक्शन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज आरजीबी, RGBA अल्फा भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है चलिए। और यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज ओके रेड कलर। ओके, रेड कलर हो ओके 0। ओके, बन देता हूँ मेरे से रिफ्रेश। रिफ्रेश पोजीशंस आरजीबी अबाउट। ओके, और एक कलर में देखता हूँ सपोज आरजीबी कॉपी। इसको दे देता हूँ मैं 0 से, और यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, देखो दिख रहा है जो हमने रेडियस का दिया उसको सर्कल में चेंज कर लिया, और उसको ग्रेडियंट हमने पास किया ट्रांसपेरेंट। ये जो 0 है यानी ये ट्रांसपेरेंट है, और रेड आपका जो सेकंड वैल्यू है, हमने यहाँ पे अल्फा जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू दिया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्शन आपके ऊपर है, आपको यहाँ पे डिग्री देना है कौन सा डायरेक्शन देना है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो। लिया क्या इसका स्क्रीनशॉट? हेलो, सबने ले लिया? यस ठीक है, तो मैं स्टॉप कर लेता हूँ।